केंद्र की बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के 9 साल बेमिसाल पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा कि 9 साल में देश की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है। बीजेपी सरकार के इस कार्यकाल के दौरान सीमाओं पर तनाव बढ़ा है, नोटबंदी से आर्थिक हालात जर्जर हुए हैं। अब 2000 के नोट को वापस लेकर यह बात साबित हो गई है कि नोटबंदी सरकार का गलत फैसला था। अपने बयान को जारी रखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार के 9 साल में देश का बुरा हाल हुआ है, देश में सांप्रदायिक माहौल तैयार किया गया है। एनवर लाइव की खास रिपोर्ट। देखिए, 9 साल देश का हुआ बुरा हाल, इन 9 वर्षों में कौन सी उपलब्धि इस देश की है ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। अगर वो उपलब्धियों का खुलासा करते हैं तो हम भी जानना चाहते हैं। आज देश के हालात आप देखेंगे, हमारी सीमाओं पे तनाव है, हमारी जो ज़मीनें हैं उस पे जो है हमारे चीन जो है हमारी ज़मीन दबा के बैठा है। लगातार देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं और आज देश की अर्थ की जर्जर है। और आपने देखा जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसका कितना दुष्परिणाम हुआ। अब 2000 का नोट है उसको भी मार्केट से विड्रॉ किया जा रहा है। यानी हम जो कहते थे कि डीमोनेटाइजेशन देश के हक में नहीं है, वो आज बिल्कुल हमारा स्टैंड विंडिकेट हुआ है। आज 2000 के नोट को मार्केट से विड्रॉ किया जा रहा है। तो कोई भी उपलब्धि इस देश की है नहीं, खाली देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया गया, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की। इसके अलावा इस देश में 9 साल में जो है कुछ नहीं हुआ।